सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ई बॉम्ब यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब के बारे में, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या भारत के पास इस प्रकार का कोई बॉम्ब है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ई बॉम्ब है क्या। ई बॉम्ब का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब, और अपने नाम के अनुसार ही ये एक ऐसा हथियार है जो एक इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है एक ब्रीफ पल्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करने के लिए। हालांकि इसके द्वारा जनरेट की गई एनर्जी किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन ये उस इंसान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर आज के समय में इस बॉम्ब का इस्तेमाल किसी शहर पर किया जाता है तो ये बॉम्ब कुछ ही सेकंड में उस शहर को बाकी की दुनिया से 200 साल पीछे कर देगा। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में ज्यादातर हर एक वो चीज जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियोस, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और ऐसे ही कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और अगर इसे डिफेंस के पर्पस से देखा जाए तो इसका इस्तेमाल दुश्मन की कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा सकता है, और यहाँ तक कि इस बॉम्ब को दुश्मन के उन सारे वेपन्स को डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित होते हैं, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम, मोबाइल और स्टैटिक रडार्स और नेवल वेसल्स के कम्युनिकेशन सिस्टम्स। यानी ये बॉम्ब कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन की मिलिट्री यूनिट को अपाहिज बना सकता है, और इसीलिए इसे परमाणु हथियार के बाद दूसरा सबसे खतरनाक हथियार कह सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि क्या भारत के पास इस प्रकार का कोई बॉम्ब है या नहीं। तो 2013 में DRDO के डायरेक्टर जनरल और डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर अविनाश चंदर ने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के तहत बताया था कि DRDO भी इस तरीके के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब को विकसित कर रही है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि इस बॉम्ब को हैदराबाद में स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित किया जा रहा है, और ये कुछ ही सालों में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। ये भारत का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और इसी वजह से इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कोई भी डिटेल जारी नहीं की गई है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।